हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पैसा क्यों जरूरी होता है अपने लाइफ में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पैसे की जरूरत क्या है। एंड दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम पैसे की जरूरत क्यों है। और अगर आप इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे रहना, खाना, पीना और पढ़ाई, इसके अलावा और कुछ जरूरत नहीं है पैसे की अपनी जिंदगी में। अगर हमारे पास एक रहने की जगह है, पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए खाना है और पढ़ने का एक साधन है, देन फ्रैंकली दिस फोर थिंग्स एंश्योर कि आप और पैसा कमा पाए, ताकि आप वो सब कर पाए जो आप एक्चुअली पैसे से करना चाहते हैं, जो कि गाड़ी खरीदनी है, फोन खरीदना है, वेकेशन पर जाना है, वो हर एक चीज जो आप करना चाहते हैं। टू शो दैट यू आर सक्सेसफुल इन लाइफ, टू शो दैट यू आर अराइव्ड इन लाइफ, टू डू ऑल द थिंग्स दैट यू वांटेड टू डू, सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। व्हाट नॉट ऑल ऑफ दैट ड्रिवन थ्रू दीज फोर थिंग्स। और ये चार चीज के लिए मैं सहमत हूँ कि पैसा जरूरी है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं एक मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन के साथ, तो ये चार चीजें आपके पास हैं, पर बहुत ही अलग लेवल पे। कुछ लोगों के पास कम है, कुछ लोगों के पास ज्यादा है, बट द फैक्ट इज हम सबके पास ये चारों चीजें हैं। ये हम सबको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमारी पैसे की जरूरत पूरी हो रही है। बट देयर इज मिसिंग पीस एंड दैट इज वेयर थिंग्स बिकम डार्क एंड मेसी। हम पैसे को जितनी इज्जत देनी चाहिए उससे ज्यादा देने लगते हैं, और ये सब होता है अपनी परवरिश के ऊपर। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मेरी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव थे, पूरी जिंदगी कर्ज था, पैसा नहीं था। तब मुझे लगता था कि पैसा इतना ज्यादा जरूरी कैसे हो सकता है कि हमसे वो हमारी खुशियाँ छीन सकता है। आज मैं आपको एक चीज समझा सकता हूँ जो आपके माँ बाप भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बट होपफुली यू हियर इट फ्रॉम मी। अनसी इट इन डिफरेंट वे, डोंट ब्लेम यूरसेल्फ इफ यू आर एंड ऑफ कंपेयरिंग यूरसेल्फ। बट इसकी वजह से क्या हो रहा है ये जानना आपके लिए जरूरी है कि पैसे की कमी की वजह से हमको गुस्सा आता है, और उस गुस्से की वजह से दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप जिंदगी भर पैसों के पीछे भागोगे, या कुछ आपके साथ ऐसा होगा कि आप जिंदगी भर पैसों को ठुकराते रहोगे। इसीलिए कई लोग पैसों को इज्जत नहीं देते, पर ये सोचने का गलत तरीका है, बिकॉज वो चार चीजें मैंने बताई वो पैसे की जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिकली इस दुनिया में रहना चाहते हो तो पैसा आपके लिए जरूरी है, उसको बेइज्जत करना या उसके पीछे भागते रहना, ये दोनों गलत तरीके हैं। राइट वे टू अंडरस्टैंड कि दुनिया आपको क्या सिखाना चाहती है पैसे के बारे में। एंड दैट इज द सेकंड क्वेश्चन कि पैसा जरूरी क्यों है। अगर आप इस देश के किसी शहर में रहते हैं, अगर आपके पास कॉलेज की डिग्री है या आप जॉब करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास जिंदगी में पैसों की कमी होगी तो वो इसलिए है क्योंकि दुनिया चाहती है कि आपके पास पैसे की कमी हो। इसका मतलब ये है कि वो आपको कहानियां बुना बुना के ऐसी काल्पनिक दुनिया के बारे में बताएंगे जिसमें चाहते हैं कि आप घुसे। अगर एक बार आप घुस गए तो उस चक्रव्यूह से आप कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। बैंक वाले चाहते हैं कि आप जिंदगी भर लोन लेते रहे, कंपनियां चाहती हैं कि आप जिंदगी भर और तरक्की करे और महंगे चीजें खरीदे ताकि आपको उस सैलरी की लत लग जाए। क्रेडिट कार्ड कंपनी चाहती है कि आप पैसे के बिना कुछ खरीद पाए, ये सारा बस आपको गरीब रखने के लिए है। Not because you will become rich, not because you will become happy, only because you feel that you are successful. So here is true importance of money. In your 20s, दुनिया आपको ये बोलती रहेगी कि पैसे की अहमियत आपकी जिंदगी में है। To tell the world that you are better than the rest, to compare yourself with your batchmates and show that you are winning. कौन है जो सबसे पहले गाड़ी खरीद सकता है? कौन है जो सबसे पहले महंगा फोन खरीद सकता है? कौन है जो सबसे पहले इंटरनेशनल वेकेशन पर जाएगा? That is consumes in your 20s. आपकी दुनिया में हर एक चीज, टीवी, सोशल मीडिया, फिल्म्स, म्यूजिक, सिर्फ एक ही मकसद से है कि आपको प्रूव कर सके कि आप लूजर हो। आपके 20s में अगर आपने फिगर आउट नहीं किया कि जिंदगी कैसे जीतनी है, तो आप लूजर हो। और तभी पैसा बीच में आ जाता है। पैसे से आप जिंदगी जीत सकते हैं, पैसे से आप दुनिया को बता सकते हैं कि आई एम अराइव, बट दिस इज नॉट अराइवल। ये तो सिर्फ एक ड्रग है जो दुनिया आपको दे रही है, एंड इट इज जस्ट अ स्टार्ट। द ट्रू पर्पस ऑफ मनी इन योर 20s इज टू मेक मिस्टेक्स। आपकी 20s में इतनी गलतियां करेंगे कि कुछ गलतियां बहुत भारी पड़ेंगी, और अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसे की जरूरत और अहमियत सिर्फ एक ही रीजन की वजह से है, क्योंकि आपको उस गलतियों से बचाया जा सके। अगर कोई मिस्टेक से आप रिकवर कर सकते हैं तो उससे अच्छा पैसे का इस्तेमाल नहीं हो सकता। एंड 30 में दुनिया आपको बताने की कोशिश करेगी कि पैसे की अब जरूरत है आपके अरमान पूरे करने की, तो फुलफिल ऑल द डिजायर दैट यू हैड फॉर योर लाइफ। वो लंबी गाड़ी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, वेकेशन पर जाने के लिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट फुलफिल योर डिजायर, एंड दैट इज वेयर यू सी दैट पीपल इन देयर 30s दे स्टार्ट लुकिंग एट द मनी एज अ वे जस्ट फुलफिलिंग द डिजायर। अगेन रॉन्ग थिंग टू डू, क्योंकि अगर आप अपने डिजायर को पूरा करने के लिए अपने पूरे पैसे को गवा देंगे तो आप फिर से वही जाल में फंस जाएंगे। द वर्ल्ड वॉन्ट यू टू फुलफिल आवर डिजायर, क्योंकि दुनिया जानती है कि जितना ज्यादा पर्सनल लोन लेंगे, जितने ज्यादा कर्ज में डूबेंगे, उतने ही आप जाल में फंसते जाएंगे। द बेटर एंड मोर इम्पोर्टेंट ऑफ मनी इन योर 30s इज टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ।
ये एक ऐसा दौर है जहां आपने जितने भी एक्सपीरियंस गैदर किए, यू विल बिकम रिचर इन योर वर्ल्ड। आप इस दौर में अपनी बुनियाद बना रहे हैं। इन योर ट्वेंटीज यू आर एक्सप्लोरिंग, ढूंढ रहे थे कि आप कहां सेटल हो सकते हैं। एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ ट्वेंटीज यू फाउंड सम प्लेसेस वेयर यू थॉट यहां हो सकता है, लेकिन अभी तक आपकी जड़ें मजबूत नहीं हुई, इसलिए आपको जड़ों को मजबूत करना है। एंड दैट इज योर डिकेड ऑफ थर्टीज। एंड दिस इज हैपन व्हेन यू इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ थ्रू कंटिन्यूअसली लर्निंग, थ्रू इन्वेस्टिंग योर मनी इन बाइंग एक्सपीरियंस दैट गेट यू कनेक्टेड टू द स्मार्टेस्ट एंड शार्पेस्ट पीपल दैट यू कैन फाइंड विद इन योर नेटवर्क। और वो हर एक चीज दैट यू स्पेंड मनी टुवर्ड, दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ मनी एंड द राइट यूज ऑफ मनी। एंड देन कम टू 40s। 40s में दुनिया चाहती है कि आप अपने पैसे का इस्तेमाल करें। टू फील लाइक एन अचीवर, यू वांट टू बी स्पोकन अबाउट इन हाई रिस्पेक्ट, यू वांट टू बी शोकेसर एट समबडी जिसने जिंदगी में कितना कुछ किया है। एंड देन वी विल स्पेंड मनी टुवर्ड दैट। हम अपने रुतबे को बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करना शुरू करते हैं। फिर से आप वही जाल में फंसेंगे। दुनिया की बस एक ही कोशिश है कि कैसे हम इस इंसान को, जो कि पैसे कमाने की मशीन बन चुका है, जिंदगी भर उसे इसी मशीन पर रखे। इस मशीन से वो उतर नहीं सकता, बिकॉज अगर उतर गया तो हमारे पैसे बनाने की मशीन रुक जाएगी। एंड दैट इज यू डोंट वांट टू डू इन यूर 40s। ट्रू इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इज टू बी फ्री। अगर आप अपने पैसे के जरिए अपनी जिंदगी खरीद सकते हैं, देन वाई वुडंट यू डू दैट इफ यू कैन सम पॉइंट ऑफ टाइम लाइक यू नो वॉट, मैंने जिंदगी में इतना पैसा कमा लिया है कि मैं अब नौकरी करने के लिए मजबूर नहीं हूँ। मैंने जिंदगी में इतना पैसा कमा लिया है कि अगर मैं साधारण नौकरी भी करूँ तो वो चलेगा, लेकिन मैं अपने पैशन को फॉलो करना चाहता हूँ। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो जिंदगी भर करना चाहता था। मैं जिंदगी बहुत अलग ढंग से जीना चाहता हूँ। मैं दुख भरी जिंदगी नहीं जीना चाहता। एंड दैट विल बी ट्रू इम्पोर्टेंस ऑफ माई लाइफ। एज वी सी इम्पोर्टेंस ऑफ मनी हर एक डिकेड में अलग है, लेकिन है, और हर एक डिकेड में दुनिया बोलती है कि पैसे की इम्पोर्टेंस है उससे तो बहुत ही अलग। एंड अंटिल यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, यू आर गोइंग टू कंसिस्टेंटली एंड कंटिन्यूअसली कीप फॉलिंग इन द ट्रैप दैट वर्ल्ड हैज लेड आउट फॉर यू। सो दिस इज आवर टुडेज़ वीडियो। इफ यू लाइक दिस, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।